नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। यहाँ पर इस वीडियो में संविदा कर्मचारी की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मदरसा बोर्ड के जो शिक्षा सहयोगी हैं उनकी, इसके अलावा शिक्षा सहायक की भी यहाँ पर बात करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से दो महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप संविदा कार्मिक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिला कार्यालय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अल्पसंख्यक मामलात विभाग जोधपुर ने 9 जून 2022 को 293 नंबर लेटर जारी करते हुए समस्त मदरसा शिक्षा सहयोगी जिला जोधपुर को पत्र लिखा है, जिसमें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के लागू करने हेतु प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करवाने को लेकर यह पत्र जारी किया है। आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि उपरोक्त विषयांतर्गत पंजीकृत मदरसों में कार्यरत शिक्षा सहयोगी पैरा टीचर को कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 11 जनवरी 2022 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में लाने के लिए शिक्षा सहयोगी से संबंधित समस्त 100 प्रमाणित दस्तावेज व संतान संबंधी सूचना ₹50 के नोटरी करवा कर राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर द्वारा जारी प्रपत्र कॉलम संख्या 2202 फाइल में भरकर 3 दिवस में के भीतर व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा करवाना है, ताकि जो है सूचना जयपुर भिजवाई जा सके। गुलाम मोहम्मद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर से लेटर यहाँ पर जारी किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ, शिक्षा सहयोगी और पैरा टीचर्स पर राजस्थान की कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के अनुसार राजस्थान हायरिंग टू कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत स्क्रीनिंग की जा रही है, और स्क्रीनिंग को लेकर जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो यहां पर मांगे जा रहे हैं। मैं बता दूं, शिक्षा सहयोगी हो चाहे वो पैरा टीचर हो, जो भी कार्मिक कार्यरत हैं उनसे अब उनके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सहित संतान संबंधी जो सूचना है ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर भिजवाने हैं। अतः इन्होंने कहा कि 3 दिवस के भीतर कार्यालय में जमा करवाएं, ताकि स्क्रीनिंग से संबंधित जो संपूर्ण जो कार्रवाई है वो कार्मिक विभाग द्वारा की जा सके। आप देख सकते हैं जो चेकलिस्ट है, इस प्रकार से कौन कौन से दस्तावेज आपको संलग्न करने हैं। 10वीं की अंक तालिका, सबसे पहले मदरसे का नाम आ जाएगा और पंजीयन संख्या, इसके बाद 10वीं की अंक तालिका, 10वीं की अंक तालिका का प्रमाण पत्र, 12वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका प्रमाण पत्र। अगर आपकी 12वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही है तो आप दोनों एक साथ उसी को अटैच कर सकते हैं। स्नातक प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष की अंक तालिकाएँ, इसके अलावा आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आपने MA किया है या MSc किया है या MCOM किया है, तो उनकी दोनों वर्षों की मार्कशीट और जो आपकी डिग्री है वो यहाँ पर लगानी होगी। अगर आपने BEd, BSTC या DLED किया है तो उसकी प्रमाणित कॉपी, फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट आपकी क्या है उसका लेटर, प्रथम मदरसे में कार्यग्रहण और वर्तमान मदरसे में कार्यग्रहण के पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अगर विवाह हो रखा है आपका, जाति प्रमाण पत्र, EWS, OBC, जनरल SC ST कौन सी कैटेगरी है उसका जाति प्रमाण पत्र, साथ ही आप विकलांग है, विधवा है, परित्यक्त है या कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो उसका पत्र भी आपको अटैच करना है। साथ ही संतान संबंधी जो विवरण है वो ₹50 के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट पर आपको लिखना है। मोबाइल नंबर राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर द्वारा जारी 22 कॉलम वाला प्रपत्र भी भरकर भिजवाना है। साथ ही इन्होंने नोट के रूप में लिखा है कि उपरोक्त चेकलिस्ट के अनुसार एवं मदरसा बोर्ड द्वारा जारी प्रपत्र भरकर दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड प्रतिलिपि 2 फाइल कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा करवा दी गई है, पैरा टीचर के हस्ताक्षर आएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से 17 जो दस्तावेज है 17 प्रकार के वो आपको जमा करवाने हैं, ताकि आपकी स्क्रीनिंग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए, परेशानी ना आए। अब 22 कॉलम वाला जो प्रपत्र है, जो पैरा टीचर्स जो मदरसा बोर्ड ने सूचना मांगी है, वो इस प्रकार से है। शिक्षा सहयोगी का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, पद क्या है, MPT है या CPT, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फर्स्ट ज्वाइनिंग दिनांक क्या है, चरण संख्या, वर्तमान किस मदरसे में कार्यरत है उनका नाम, वर्तमान मदरसे में कब आपने ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग डेट, साथ ही वर्तमान मदरसे की जो रजिस्ट्रेशन संख्या क्या है, उम्र क्या है आपकी, किस भर्ती से आप लगे हुए हैं, कौन सा वर्ग है, SC ST MBC OBC सामान्य या महिला, शैक्षणिक योग्यता क्या है आपकी,
परीक्षा कौन सी आपने उत्तीर्ण की है, कब की है और विषय किस विषय से की है, साथ ही प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो कौन सी क्वालिफिकेशन आपने उत्तीर्ण कर रखी है, कब की है और कौन से विषय से की है, क्या आप विकलांगता, विधवा या परित्यक्त या कोई गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो उसका विवरण आएगा, और संतान की सूचना यानी कि बच्चों की आपकी कितनी संख्या है वो विवरण आएगा और साथ में मोबाइल नंबर। इस प्रकार से राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर ने जो संपूर्ण सूचना है वो यहाँ पर शिक्षा सहयोगी और मदरसा पैरा टीचर्स की मांगी है, ताकि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत स्क्रीनिंग करते हुए इनकी जो कार्रवाई है वो की जा सके, साथ ही जो ड्राफ्ट फाइनलाइज हुआ है उसको अनुमोदन यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा दिया जा सके। अब बात करते हैं अन्य एक पत्र की। जैसा कि आप देख सकते हैं राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर ने 8 जून 2022 को समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राजस्थान को पत्र लिखते हुए शिक्षा सहयोगी की निर्धारित सूचना यहाँ पर मांगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं राजस्थान मदरसा बोर्ड से प्रदेश के पंजीकृत मदरसों में कार्यरत शिक्षा सहयोगी पैरा टीचर को कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में लाने के लिए उक्त शिक्षा सहयोगी से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें, निर्धारित प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त नियमों में लाने की कार्रवाई की जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं सैयद मुकरम शाह जो सचिव हैं मदरसा बोर्ड के, उनके हस्ताक्षर से लेटर जारी किया है, साथ ही इन्होंने एक प्रमाण पत्र भी जो सेलेक्ट अटैच किया, ताकि उस प्रमाण में जो फॉर्मेट है उसमें आप सूचनाएं भरकर भिजवा सकें। साथ ही जो प्रत्येक मदरसा बोर्ड है, चाहे वो मदरसा शिक्षा सहयोगी है, पैरा टीचर हैं, उनके समस्त डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपी की जो सेल्फ अटेस्टेड है वो भी यहाँ पर आपको लगानी है। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया था कि किस फॉर्मेट में आपको सूचना भेजनी है, उसी में 22 कॉलम वाला जो फॉर्मेट है जिसमें शिक्षा सहयोगी मदरसा पैरा टीचर का नाम, पिता या पति का नाम, पद क्या है, शिक्षा सहायक है या पैरा टीचर है, ज्वाइनिंग डेट क्या है, जन्मतिथि क्या है, किस चरण में आपको लगाया गया, किस भर्ती से आप संबंधित हैं, वर्तमान में कौन से मदरसे में कार्यरत हैं, वर्तमान मदरसे में कार्यग्रहण की डेट क्या है, इसके अलावा टेक्निकल और शैक्षणिक जो अकेडमिक क्वालिफिकेशन है कब आपने की, किस वर्ग से हैं आप हैं, कोई गंभीर बीमारी, विकलांगता, परित्यक्तता से आप संबंधित हैं या नहीं है, बच्चों या संतान की सूचना और मोबाइल नंबर की जो संपूर्ण जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है। साथ ही इन्होंने कहा है कि संतान संबंधी जो सूचना है 50 रुपये के एफिडेविट पर नोटरी सहित आपको उपलब्ध करवानी है। साथ ही आपके जो संपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि 15 जो आवश्यक जो दस्तावेज हैं वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर द्वारा शिक्षा सहयोगी और पैरा टीचर्स को पैरा टीचर्स के स्क्रीनिंग को लेकर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है DOP के सर्कुलर दिनांक 11 जनवरी 2022 के अनुसार। इसी को लेकर ये जो संपूर्ण जो सूचनाएँ हैं वो एक्सरसाइज यहाँ पर की जा रही हैं। साथ ही चेकलिस्ट के अनुसार आपको सूचना उपलब्ध करवानी है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 10वीं की अंकतालिका का प्रमाण पत्र, 12वीं की अंकतालिका का प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर की मार्कशीट, PG की MA आपने किया है या MSc किया है या MCOM किया तो उसकी मार्कशीट, BA, BEd, BSc या DLED आपने किया तो उसकी मार्कशीट, फर्स्ट ज्वाइनिंग लेटर की प्रतिलिपि, प्रथम मदरसे में कार्यग्रहण और वर्तमान मदरसे में कार्यग्रहण का पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विधवा, विकलांगता, परित्यक्ता और गंभीर बीमारी से संबंधित पत्र, संतान संबंधी पत्र 50 रुपये के एफिडेविट पर नोटरी करवा के, मोबाइल नंबर और राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर द्वारा जारी 22 कॉलम ये जो प्रपत्र है उसमें संपूर्ण सूचना भरकर आपको भिजवानी है, ताकि स्क्रीनिंग से संबंधित जो संपूर्ण जो कार्य है वो यहाँ पर जल्द से जल्द किया जाए और आपको कार्मिक विभाग द्वारा अडोप्ट यहाँ पर अडोप्शन का जो कार्रवाई है, अडोप्शन के जो पत्र है वो यहाँ पर जारी किया जा सके। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप संविदा कार्मिक का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।